कड़ी सुरक्षा के बीच जहां पूरा चंडीगढ़ जश्न मना रहा था, वहीं सेक्टर 22 में दो लड़कियों का बेरहमी से कत्ल का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कत्ल का यह मामला बीते बुधवार रात का है, जिसका खुलासा गुरुवार को हुआ। दोनों मृतक लड़कियां राजवंत कौर व मनप्रीत कौर बहनें हैं और पंजाब के अबोहर की रहने वाली हैं। सेक्टर 22 के मकान नंबर 2558 में पीजी में रह रही थी और जीरकपुर में एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बीती रात उनके कमरे में कोई आया था, जिसने घटना को अंजाम देने के बाद बाहर से ताला लगा दिया था। आज सुबह जब उनके परिजनों ने उन्हें फ़ोन किया तो वे फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद परिजनों ने अपने किसी रिश्तेदार को उन्हें देखने के लिए भेजा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों लड़कियों के शव कब्जे में ले लिए हैं। फिलहाल यह अभी पता नहीं लग सका है कि लड़कियों की हत्या किन कारणों के कारण की गई है। पुलिस आसपास की बिल्डिंगों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है, जिससे कातिलों का कोई सुराग मिल सके। इसकी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली पुलिस को, तो यहाँ पे दो डेड बॉडीज मिली है। अभी ये दोनों सिस्टर्स हैं, मनप्रीत कौर और राजवंत कौर। ये पीछे से पंजाब की फाजिलका की रहने वाली हैं। इनके पेरेंट्स को हमने इत्तला दी है, वो आ रहे हैं। इनके ब्रदर को भी इत्तला दी है, वो भी आ रहे हैं। तो मर्डर्स का स्पॉट देख के ये लग रहा है कि शार्प वेपन एज वेल एज ब्लंट वेपन दोनों यूज़ हुआ है। काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ है यहाँ पे। आसपास के जो लोग हैं उनके मदद से, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है, उनकी मदद से कुछ सस्पेक्ट्स के नाम पता चले हैं। तो लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें भेज रहे हैं उन सस्पेक्ट्स को, मतलब चेक करने के लिए कि वो उस वक्त कहाँ थे। तो ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि ये कल रात के बीच की बात है, कहीं पे रात को अराउंड 4-1 बजे के आसपास की बात हो सकती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।